सो हे गाइस, बैक एट अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की जो रहने वाला है हमारा ट्रेन जर्नी के ऊपर, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12410 और ये खुलती है हजरत निज़ामुद्दीन से और जाती है रायगढ़ तक। तो ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी 3 बजे, अभी मैं फिलहाल 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ से स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर हूँ। अब देखता हूँ कैसे स्टेशन पर जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ या मेट्रो, जिससे भी जाता हूँ वो दिखाता हूँ आपको और फिर ट्रेन जर्नी का ब्लॉग दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फाइनली ट्रेन के अंदर आ गया मैं, ठीक है। जहाँ से मैं निकला, मतलब वहाँ 50 किलोमीटर था, तो पहले उससे लोकल ट्रेन से आते हैं, फिर सोचा कैब कर लेते हैं। तो कैब से आया मैं और कैब में तो भाई सोते ही सोते आया, दिल्ली का जो हाल है भाई, ट्रैफिक जाम में, पूरा ट्रैफिक जाम था, पूरा सीन एकदम बेकारी था। अभी यहाँ स्टेशन पर आया, ट्रेन लगी हुई थी, अभी 5 मिनट में चलने वाली है ट्रेन। ट्रेन के अंदर बैठ गया हूँ, एक सीट है मेरा साइड लोअर और एक है मिडल का, ठीक है। तो और जो जर्नी में होता है दिखाते हैं आगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, अभी आ गया है ग्वालियर और बज रहे हैं टाइम 8 और ट्रेन चल रही है कुछ वही 15-20 मिनट लेट। अब देखते हैं कितने देर तक पहुँच जाती है, क्या होता है भाई। ट्रेन के अंदर तो भाई पिछला वाला हाल है पूरा, मतलब जैसे लोकल तरीके से भरा पड़ा है। तब भी देखता हूँ कुछ सीन होगा दिखाने का, थोड़ा बहुत बाहर के दिखा दूँगा। अब आज से भाई वो मत करना, सर्दी बुखार सब है मेरे को एक साथ, क्योंकि ट्रिप पर भी लगातार हो रही है, इसलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बाय। अभी रुका है इटारसी जंक्शन पे और सुबह के बज रहे हैं 4 और ट्रेन लेट है 1 घंटा 20 मिनट। पता नहीं कितनी देर पहुँचा है, अभी चल रहा है ट्रेन वापस। गुड मॉर्निंग। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अभी बज रहे हैं 9 और पहुंच गए नागपुर जंक्शन। मान लो 12 बजे तक पहुँचा ही देगा आराम से नागपुर, फिर दिखाते हैं आएगा जब सिंह का। तो थोड़ा बहुत व्यूज मैंने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया, ट्रेन चालू होने वाली है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर लिए हैं गोंदिया, ठीक है, और अभी स्टेशन आने वाला है डोंगरगढ़, उसके बाद आएगा राजनांदगांव और राजनांदगांव 1 से 1.5 बजे के अंदर पहुँचा देगी। ज़्यादा लेट नहीं, ट्रेन 50 मिनट करीब लेट है, 12 बजे का टाइम था, 1 बजे ही पहुँचाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हालत डाउन है, पूरा तबीयत खराब थी वैसे भी, और ऊपर से ट्रेन में गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है, गर्मी के मौसम में ट्रेन में सफ़र करने का कोई मतलब नहीं लगता भाई मेरे को। तभी दिखाते हैं आपको आगे। बाय। पहुँचने वाले डोंगरगढ़, अभी उतर गए ट्रेन से हमारे मम्मी, ठीक है, और ट्रेन ठीक था भाई, 10-15 मिनट या आधा घंटा लेट था, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही था ट्रेन। अब जाते हैं बस स्टैंड और फिर घर जाके बताता हूँ आपको मैं कि ट्रेन कैसा था और क्या कोई दिक्कत था, ठीक है। अभी बस में बैठ गए, मेरे पसीने की हालत ख़राब है, इतना गर्मी है और 2-3 बज रहे हैं, बस क्या बताऊँ मैं, घर जाकर रिकॉर्ड करके बताता हूँ इंजेक्शन क्या होता है। सो गाइस, फाइनली घर आ गया मैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को आने में, करीब थोड़ा देर लगा बस, वहाँ से बस से आया, फिर बस से यहाँ से ई रिक्शा किया, फिर घर आ गया, क्योंकि पापा कहीं बाहर गए थे काम से, इसलिए गाड़ी से नहीं आ पाया मैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा था, ट्रेन खाली करीब आधा घंटा या 1 घंटा लेट थी भाई, पर ठीक था, क्योंकि रात को 2-3 घंटे लेट हुई पर कवर कर लिया ट्रेन ने। तो मेरे हिसाब से ट्रेन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जो भी भाई अगर दिल्ली से या मतलब थोड़े भोपाल वोपाल के एरिया से अगर इधर आना चाहते हो राजनांदगांव या रायगढ़ साइड, तो आप यूज़ कर सकते हो ट्रेन को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कर देना, जय जय शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय। जय श्री राम। प्राउड टू बी इंडियन।